देश में कई जगह भारी बारिश के होने से आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। असम में बाढ़ का कहर, अब तक 80 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। वहीं अगली खबर दिल्ली से, कांग्रेस दफ्तर में एक सर्वेंट ने की खुदकुशी, रविवार की है यह घटना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना संक्रमण को लेकर मंगलवार को करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबरी विध्वंस, वरिष्ठ बीजेपी नेता आडवाणी और जोशी का इस हफ्ते होगा बयान दर्ज। राजस्थान में सियासी संकट के चलते बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले बीजेपी उपाध्यक्ष ओम माथुर। राजस्थान अशोक गहलोत ने कहा, सचिन पायलट है नकारा और धोखेबाज। राजस्थान एसओजी ने जारी किया नोटिस, विधायक खरीद परोक्त मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस। सीआर पाटिल को गुजरात बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। हिमाचल प्रदेश में बढ़ा बसों का किराया, 25% की हुई बढ़ोतरी। मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी, उत्तराखंड में 23 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी। वहीं अगली खबर यूपी से, योगी सरकार ने दी मंजूरी, कोरोना पॉजिटिव मरीज रह सकेंगे होम आइसोलेशन में।